दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, इस घंटे को दबाना मत भूलिए हर एक वीडियो को अपडेट हो पाने के लिए, एंड ये बिल्कुल फ्री है। Hey guys, what's up everybody? Welcome back to my channel. मैं हूं शायन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ड्राई शैम्पू कैसे यूज़ करते हैं। एंड तो मैंने दो दिन पहले ये सेशा का ड्राई शैम्पू खरीदा था, तो इसका भी रिव्यू नहीं दिया अभी तक आप लोगों को। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को इसका रिव्यू दे दूँ, तो क्योंकि मैंने पहले भी ये यूज़ नहीं किया है। तो आज मेरा जो बाल है बहुत ही ग्रीजी टाइप का है, मतलब मैंने सुबह में वैक्स यूज़ किया था अपने हेयर पे, तो बाल बहुत ही ग्रीजी है। तो मैंने सोचा इसको यूज़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ड्राई शैम्पू कैसे यूज़ करते हैं, एंड सेसा जो है इसका रिव्यू कैसे, इससे कुछ काम होता है या कुछ भी नहीं होता है। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड मेरे इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, एंड प्लीज़ अभी तक अपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल। सो गाइस, मैंने ये जो शीशे का ड्राई शैम्पू है मैंने ऑनलाइन से नहीं खरीदा, मैं एक स्टोर से लिया था। इसका MRP है जो है 190 रुपीज़, एंड मैंने लिया था 160 रुपीज़ में। तो गाइस, चलो इसको यूज़ करते हैं, देखते कुछ काम का है या फिर नहीं है, तो लेट्स सी। सो गाइस, ये है शीशे का ड्राई शैम्पू। इसको बालों पे लगाना है ऐसे। ड्राई शैम्पू जो है उसको बालों पे पहले लगाना पड़ता है अच्छे से, तो फिर अच्छे से इस तरह मसाज करना पड़ता है। फिर गाइस, कॉम से इसको कॉम कर लेता हूँ थोड़ा। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये जो हेयर है बहुत ही राफ टाइप का है, रफ हो गया है, मतलब ये शैम्पू करने के बाद जो सिल्की सा होता है वो नहीं हुआ, एंड स्टिकी जो है, मतलब हेयर अभी तक स्टिकी है। सो गाइस, आप लोगों ने देखा कि कैसे ड्राई शैम्पू यूज़ करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं, बट इसका कोई इफेक्ट नहीं है मेरे हेयर पे। लगता है अभी तक बाल बहुत ही ग्रीजी सा है, एंड थोड़ा हल्का हुआ है, पहले जो मोटा मोटा सा लग रहा था बाल, अभी तो थोड़ा हल्का लग रहा है, लेकिन स्मूथ नहीं है अभी तक। जो भी है, मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है। तो दूसरे जो ड्राई शैम्पू मैंने यूज़ किया था वो बहुत अच्छा था, और बाल एकदम सा, मतलब सिल्की सा हो जाता है ड्राई शैम्पू दूसरा यूज़ करने से, बट ये कुछ भी नहीं हुआ। मुझे फिर से शैम्पू करना पड़ेगा अच्छे से। तो गाइस, देख लिया आपने शीशा का रिव्यू, तो सो गाइस, मेरे इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, एंड कुछ भी बात है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, एंड मेरे से कुछ बात करना चाहते हो तो प्लीज़, मैं MP इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लीज़ वहाँ पर भी आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। एंड मेरे इस चैनल के अदर्स वीडियो भी देख लीजिए, हेयर टिप्स एंड स्किन टोन टिप्स के बारे में बहुत सारे वीडियो है, एंड मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत बहुत मज़ा आएगा, एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।